हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं अपने लिए राइडिंग गियर देखने जा रहा हूँ और साथ ही साथ मुझे ग्लव्स भी लेना था बाइक राइड्स के लिए। मेरे पास अभी फ़िलहाल ग्लव्स नहीं है, तो जो हमारे इधर है द हेलमेट वाले भैया, जिनसे मेरी जान पहचान भी है और हम अपने लिए उन्हीं से ही सामान खरीदते हैं बाइक से रिलेटेड, तो अभी हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। उसके बाद मुझे ग्वालियर जाना है, हमारे कुछ काम है ग्वालियर में, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। इस टाइम पर निकलना बड़ी दिक्कत वाली बात है, बट क्या करें, मेरे पास टाइम कम था इसलिए मेरे को जाना पड़ा। फिलहाल जल्दी से हम द हेलमेट की शॉप पर पहुँचे और अपने लिए ग्लव्स देखें और फिर उसके बाद हमें ग्वालियर निकलना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, जनरली मैं इस टाइम पर बाहर निकलता नहीं हूँ क्योंकि मैं ऑफिस में रहता हूँ, आपको तो पता ही है मैं जॉब करता हूँ और एक संडे और सैटरडे में ही मेरे को टाइम मिलता है ब्लॉग बनाने के लिए, और कभी कभी तो वो भी टाइम नहीं होता है क्योंकि ऑफिस का काम कभी कभी ऐसा फंस जाता है क्या, उस बीच में उस दिन भी मेरे को ऑफिस जाना पड़ जाता है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्या कर सकते हैं, बट हमें जाना था। अब हम आ गए हैं बीकेडी चौराहा, ये बीकेडी कॉलेज सामने, और फिलहाल अब हम आ गए हैं भाई की दुकान पर, देखते हैं। ओ, मेरे ख्याल से आज काम चल रहा है, ठीक है। दोस्तों हम फाइनली द हेलमेट शॉप पर आ चुके हैं। आपको पता था मुझे अपना GoPro को यूज़ करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि जो हेलमेट है मेरा उसमें प्रॉपर एंगल नहीं आ रहा था फिलहाल, तो अभी हम भाई के पास आए, मेहुल भाई के पास। मेहुल भाई ने मेरी ये समस्या सॉल्व की है, बाकी मेहुल भाई बताएंगे। हेलो भाई साहब, इनको जो है ये समस्या यूज़ हो रही थी, इनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो इनका जो है जो प्रॉब्लम सॉल्व करी गई है वो कर्व एक्सटेंशन से सॉल्व करी गई है, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है पूरे झांसी में, और तो ये आप इनका यूज़ करिए और इससे क्या होगा कि इनका एरिया बढ़ जाएगा और इससे प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही हमें अपने लिए ग्लव्स भी चाहिए थे क्योंकि मेरे पास अभी ग्लव्स नहीं थे, तो मैंने सोचा वो भी भाई से देख लेते हैं कि अगर कुछ आया है भाई के पास तो वो भी हम ट्राई करते हैं। ये लीजिए आपके ग्लव्स, ये भाई लगाइए, ये देखिए इसमें काफ़ी, ये मुझे दे दीजिए, हम इसको रख देते हैं। आप ग्लव्स की क्वालिटी देखिए, इसमें ये हैंड प्रोटेक्टर ऊपर भी दे रखा है और नीचे भी दे रखा है ताकि स्क्रैच आने पर हम उसको, हमारा हैंड सेफ है। बाकी इसके बारे में डिटेल में भैया बताएंगे। ये आपका देखा जाए तो ये मैट बाइक का ओरिजिनल पीस है, ठीक है, और इसमें आपका ये कार्बन फाइबर आपका आ रहा है, तो इसके प्रोटेक्शन अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे प्रोटेक्शन है, और ये पाम का प्रोटेक्शन भी बहुत इसका अच्छा आ रहा है, ठीक। प्लस इससे आप इससे मोबाइल भी यूज़ कर सकते हैं इजीली, आपको इसको उतारने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपको ठीक है। थैंक यू भैया, और साथ ही अभी आप देख सकते हैं शॉप में रेनोवेशन का काम चालू है, हम अभी प्रॉपर वीडियो भी, तीन से चार दिन में वो आपका सही हो जाएगा काम, और परफेक्टली जितने भी गैजेट्स हैं जितने भी गियर्स हैं अपने पास वो सब मिल जाएंगे। एक बार भैया अपनी दुकान का एड्रेस बता दें क्योंकि लोग पूछते भी हैं द हेलमेट कहाँ है। द हेलमेट पहली बार तो आप गूगल भी कर सकते हैं, दूसरी चीज़ अगर आपको गूगल के अलावा अगर नहीं समझ में आता तो आप डायरेक्टली बीकेडी चौराहा नियर विकास भवन आप आ सकते हैं, हमारे यहाँ विजिट कर सकते हैं। ओके, ये एक ब्लॉग था जो मैंने आपके लिए लिया, मैं सोच रहा था कि मेरे को कुछ एसेसरी चाहिए थी, फाइनली वो हमें मिल चुकी है, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में, बाय बाय। हमने ग्लव्स और अपना GoPro का जो माउंट था वो ले लिया है, GoPro सेटअप कर लिया है, और अब हम जा रहे हैं घर। हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ है, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर बचा है हमारे पास, मुझे घर जाकर रेडी होना है।
टाइम कम है हमारे पास। कैसे लग रहे हैं मेरे ग्लव्स? ऊपर से ये गर्मी। आज संडे था और मेरे को अपने सारे काम निपटाना थे, क्योंकि आजकल ऑफिस में ज़्यादा काम था तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं अपने पर्सनल काम कर सकूं। फिलहाल हमारा आज तो बड़े काम हो चुके हैं, जल्दी से घर पहुँच जाएँ। प्लीज़ सेफ राइड कीजिए, क्योंकि हाल ही में आपको एक न्यूज़ पर पता ही चल रही होगी, जितने भी यूट्यूब पे हैं सभी को पता है कि प्रो राइडर कहने में काफ़ी बुरा भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है, वो अब हमारे बीच नहीं रहे, इसलिए प्लीज़ सेफ राइड करें। भाई बिना देखे बस खाए चले जा रहे हैं, क्यों जाम लगा रहे हो? वैसे ही मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे और लेट किए जा रहे हैं। बंदा क्या ड्राइव कर रहा है ये? अब घर जाकर डांट करने वाली है, क्योंकि मम्मी काफ़ी गुस्सा होने वाली है, क्योंकि मेरी वजह से हमारी ट्रेन भी छूट सकती है। अब हम इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरी डांट गलने वाली है, वो मैं इसे शूट नहीं करने वाला। और हम अपने घर भी आ गए हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।